गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो हेयर इज़ योर सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर सेकेंड, इन्वेंशन ऑफ बेल. सो वॉट इज़ द इन्वेंशन? इन्वेंशन मीन्स एनी थिंग दैट हैज़ बीन केम इन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड व्हील मीन्स अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट इट टर्न्स व्हेन इट मूव. ओके, सो इन्वेंशन ऑफ व्हील मीन्स वी विल सी हाउ द व्हील्स इन्वेंटेड. मतलब व्हील्स जो थे वो कैसे उनका इन्वेंशन हुआ, वो कैसे यूज़ में आए, उनको कौन लाया. लॉन्ग बैक अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट. बहुत सालों पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो फॉरेस्ट में रहते थे. ही डिड ऑल हिज वर्क बाय हिमसेल्फ. वो अपने सारे काम खुद से करते थे. देयर वॉज नो मशीन्स टू हेल्प हिम. तब कोई भी मशीन्स नहीं होता था जो उनको हेल्प आउट करे. तो लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम. उस टाइम पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि उनको कोई मशीनरीज नहीं होती थी हेल्प करने के लिए. सारा काम वो खुद से करते थे. ही यूज़ टू लिफ्ट ऑल द लोड हिमसेल्फ. कि कुछ भी भारी वजन हो या सारा कुछ उनको खुद से करना पड़ता था. लेटर ही स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स टू लिफ्ट द लोड फॉर हिम. टेमिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना. तो लेटर ही स्टार्टेड एनिमल्स जो होते थे उनको अपने कंट्रोल में करके और फिर उनके ऊपर वजन रखते थे और उनसे अपना सारा यूज़ लेते थे. इवन द एनिमल फेल टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स. लेकिन अभी एनिमल्स भी फेल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अगर हैवी लोड उठाना होता था. तो द टाइम व्हेन द व्हील्स वॉज इन्वेंटेड इज अननोन. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो एवरीथिंग वॉज अननोन. मतलब किसी को नहीं पता था कि व्हील कैसे इन्वेंट हुआ, कहाँ से आया, कब आया. तो इट इज़ बिलीव, तो ये माना जाता है दैट वन डे अर्ली मैन मस्ट हैव बीन लॉग्स ऑफ द वुड रोलिंग डाउन अ हिल. एक दिन अर्ली मैन ने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा रोल डाउन करते हुए पहाड़ी से नीचे आ रहा है. तो ही माइट हैव थॉट दैट इट इज़ ईजियर टू रोल देन टू कैरी हैवी लोड्स. तो अर्ली मैन जो था उसने सोचा कि हम लोड्स को उठा के लाते हैं, अगर हम इसको किसी चीज़ के ऊपर रोल ऑन करा दें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस. स्लोली ही टाइड द लॉग ऑफ वुड्स टुगेदर एंड मेक थिंग्स रोल डाउन. तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी के बहुत सारे गट्ठे आपस में बांधे और उनके ऊपर सामान रख के उसको रोल करने लगा. लेदर फर्दर ही स्टार्टेड कटिंग डाउन राउंड स्मॉल पीसेस ऑफ वुड एंड टाइड इट टुगेदर. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे राउंड स्मॉल पीसेस होते थे वुड्स के उनको कट डाउन किया और उनको साथ में टाइड अप किया. मतलब उनको साथ में बांधा. दिस हेल्प हिम टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स इन सच इन मच ईजियर वे. इससे उनको क्या हेल्प हुआ कि जो उन्हें हैवी लोड्स उठाने पड़ते थे उनको उससे फ्री हो गए. वो उनको अभी वो उठाना नहीं पड़ता था. ही फिटेड दीज राउंड पीसेस ऑफ वुड इन हिज कार्ट. अभी उन्होंने क्या करा, इससे ही कर करके अपनी एक गाड़ियाँ बना ली. गाड़ियाँ बना ली मतलब वो कार्ट जो होते थे, जो राउंड वुडन पीसेस होते थे, उन सारे पीसेस को साथ में टाइड अप करके उन्होंने अपनी कार्ट बनाई. हैंस द व्हील वॉज इन्वेंटेड. इसके बाद उन्होंने व्हील को इन्वेंट करा कि अब हम इससे अपनी एक गाड़ी बनाएंगे. अर्ली मैन दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर द पॉटरी. दिस वॉज कॉल्ड द पॉटरी व्हील. ओके, सो व्हाट इज़ द पॉटरी? पॉटरी मीन्स मिट्टी का बर्तन. तो जो अर्ली मैन होते थे वो व्हील का कहाँ और यूज़ करते थे, वो पॉटरी मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे ना उसमें भी वो व्हील्स का यूज़ करते थे. तो उसको क्या बोलते थे, दैट वॉज कॉल्ड अ पॉटर व्हील. उसको पॉटर व्हील बोलते थे. इट इज़ यूज इवन टूडे. आज भी हम यूज़ करते हैं. इट इज़ व्हील काइंड और उसके ऊपर मिट्टी होता है. एंड जब वो जो व्हील है वो रोटेट करेगा तो हम ऊपर जो मिट्टी रखी हुई है उस पर डिज़ाइन देंगे और फिर वो एक मिट्टी का बर्तन बन जाएगा. टुडे वी हैव मैनी यूज़ ऑफ व्हील्स. आज के दिन में हम व्हील्स का बहुत से यूज़ करते हैं. ऑल ओवर मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट रन ऑन द व्हील्स. ट्रांसपोर्ट मतलब होता है हमारे आने जाने के जो भी साधन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट. आज के दिन में हम जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो सारे किस चीज़ पर रन करते हैं, व्हील्स पर. जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, बाइसाइकिल हो गया, ट्रेन हो गया, एंड इवन एरोप्लेन्स रन ऑन द व्हील. Nowadays wheels are made up of rubber and steel. ठीक है, तो किस किस चीज़ों में व्हील्स होते हैं, बस में होते हैं, कार में होते हैं, बाइसाइकिल में होते हैं,
ट्रेन्स में होते हैं और एरोप्लेन में भी व्हील्स होते हैं। आज के टाइम में व्हील्स किस चीज़ के बने होते हैं? रबर के और स्टील के। अ व्हील इज़ यूज इन मैनी अदर थिंग्स। और भी व्हील हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम किस किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन पुली टू ड्रॉ अ वाटर फ्रॉम द वेल्स। कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो आपने उसमें एक देखा होगा राउंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, ये राउंड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें किस चीज़ से हेल्प करता है कि हम जो पानी है उसके ऊपर रोप जो है वो जस्ट स्लाइड डाउन कर दे और हम पानी की बाल्टी को बाहर ले लेंगे। इट इज़ यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड। हैवी लोड्स उठाने के लिए भी क्रेन में यूज़ करते हैं हम व्हील। व्हील्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बिग मशीन। जितनी भी बिग मशीन्स होती हैं उन सब में व्हील्स होते हैं। आवर वॉच ऑल्सो हैव स्मॉल व्हील्स वर्किंग इनसाइड आर कॉल्ड एंड कॉल्ड डायल्स। ठीक है, हमारे पास जो वॉच होती है उसमें भी व्हील होता है जो कि किस तरह वर्क करती है, जिसको हम डायल बोलते हैं। व्हील्स इज़ यूज्ड इन जनरेटर एंड द विंड मिल्स। जनरेटर देखा होगा आप सबने, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, घर में चलाते हैं। व्हील्स उसमें भी यूज़ होते हैं, विंड मिल्स में भी यूज़ होते हैं। द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हैज़ मेड अवर लाइफ मच ईजियर एंड कम्फर्टेबल। व्हील्स के इन्वेंशन से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी और एकदम कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक हो गई। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है हमने अगर व्हील का इन्वेंशन किया तो। थैंक यू फॉर द लेक्चर। And due to COVID, please stay at home and be safe.